डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ हिस्ट्री चैप्टर सेकंड, पिछले पार्ट फोर के अंदर अपन ने जहांगीर तक पढ़ लिया था। अब पार्ट फिफ्थ के अंदर शाहजहाँ 1627 CE से लेकर 1658 CE तक ये पढ़ेंगे हम। शाहजहाँ ये मुग़ल काल का एक शासक हुआ है, इसके बारे में। हिज चाइल्डहुड नेम वाज खुर्रम, उसके बचपन का नाम खुर्रम था, और 1612 के अंदर उसकी शादी हुई आसफ खान्स डॉटर मुमताज महल से, और वो सिंहासन रूढ़ हुआ आगरा के अंदर फरवरी 1628 CE को। उसने मर्ज किया अहमदनगर को इन द मुग़ल एम्पायर के अंदर, मुग़ल साम्राज्य के अंदर, और ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह, और उसने ना बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया। इन 1652 CE के अंदर ही मेड हिज सन औरंगजेब द विक्ट्री ऑफ द डेक्कन, और 1652 ईस्वी के अंदर उसने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्षिण की विक्ट्री के लिए वायसराय बना करके उसको ना दक्षिण भेजा। 1657 ईस्वी के अंदर ही इम्प्रिजेंट शाहजहाँ इन आगरा फोर्ट, और 1657 के अंदर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले के अंदर कैद कर लिया। शाहजहाँ डाइड इन 1666। शाहजहाँ है ना 1666 के अंदर मर गया, और शाहजहाँ बिल्ट ए टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, और शाहजहाँ ने अपनी सबसे प्यारी बेगम जो थी मुमताज महल, उसके नाम से गुम्बद बनाया, विच इज नॉन एज ताजमहल, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। अब आता है अपना नया हेडिंग औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहाँ का ये पुत्र था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इसका कार्यकाल 1658 CE से 1707 CE तक, 1658 से लेकर 1707 तक इसका कार्यकाल रहा। औरंगजेब डिफीटेड द राठौड़स ऑफ द मेवाड़, औरंगजेब ने मेवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया, आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर और कामरूप। इसने किंग जयसिंह, जो राजा जयसिंह था, इसको नियुक्त किया गवर्नर के रूप में दक्षिण का। ट्रेटी ऑफ पुरंदर और पुरंदर की संधि इसने की शिवाजी और किंग जयसिंह के बीच में हुई 1665 के अंदर। 1660 के अंदर शिवाजी बिस्टेड औरंगजेब कोर्ट, 1660 के अंदर शिवाजी है ना औरंगजेब के दरबार में उससे मिलने गया, और 1686 ईस्वी के अंदर औरंगजेब हिमसेल्फ खुद एडवांस्ड एंड ऑक्यूपाइड बीजापुर, और 1686 के अंदर औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया एंड गोलकुंडा इन 1678, और 1678 के अंदर इसने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया टू डिमोलिश टेम्पल्स, मंदिरों को नष्ट करने का, इन 1669 ईस्वी के अंदर, एंड इम्पोस्ट जागीर टैक्स, और इसने ना एक जागीर टैक्स लगाया जो कि लगभग 5% एडिशनल टैक्स था ये ऑन द ट्रेडर, व्यापारियों के ऊपर। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ द जरोखा दर्शन, और उसने ना जरोखा जो दर्शन था उस पर प्रतिबंध लगाया, एंड म्यूजिक और संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ही डाइड इन अहमदनगर, ये अहमदनगर के अंदर मरा 1707 ईस्वी के अंदर, और ड्यू टू द बॉयश रेज्ड बाई अ सिख गुरु तेग बहादुर, और है ना सिख गुरु जो तेग बहादुर था उसके उसने है ना अपनी आवाज़ बुलंद की। इन 1707 के अंदर बहादुर शाह जफर बिकेम द लास्ट रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर, और 1707 के अंदर मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक है ना बहादुर शाह जफर बनाया गया। अब है नेक्स्ट हेडिंग है अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुग़ल पीरियड, कि मुग़ल काल का जो है ना प्रशासन कैसा था उसके बारे में हम देखते हैं कि मुग़ल काल का प्रशासन है ना किस तरीके का था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन बाजे
फसल ऑफ द है ना इंडियन एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, विदेशी जो प्रशासन का जो सिस्टम है और अपने इंडियन का जो सिस्टम है उसमें है ना ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब बहुत ज़्यादा है ना लोकप्रिय रहा था। एम्परर वाज द सोवरेन इन पावर, क्योंकि यहाँ के जो बादशाह हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, वो है ना सत्ता के अंदर है ना मुख्य हुआ करते थे। वजीर वाज द सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर, और वजीर है ना दूसरा सबसे बड़ा अफसर हुआ करता था। एंड सदर मीर ए सामा वाज द चीफ ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था वित्त विभाग, उसका हेड है ना सदर मीर ए सामा बोला जाता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो राज्यों के प्रशासन हुआ करते थे, वाज डिवाइडेड इनटू द है ना सूबेज, और ये राज्यों के जो प्रशासन है ना वो सूबों में है ना बटे हुए थे। इज इन अकबर्स रीजन, जैसे अकबर के क्षेत्र के अंदर, एंड 20 इन औरंगजेब्स रीजन, अकबर के समय में तो ये 15 राज्यों में बटा हुआ था मुगल साम्राज्य, और औरंगजेब के समय ये 21 राज्यों में बटा हुआ था, सूबों में बटा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और जो जिला का प्रशासन हुआ करता था, वाज इन द हैंड्स ऑफ द फौजदार, ये फौजदार के हाथों में हुआ करता था। अमल गुर्जर बोला जाता था इसको, ये वेयर हाउस का इंचार्ज हुआ करता था, कीपर होता था वेयर हाउस का। अमिल ये मुंसिफ हुआ करता था, और फौजदार ये ट्रेजरी का हुआ करता था। एंड कानून गो ऑफिसर ऑफ द ये आपका पेट्रोरिस अर्थात पटवारीज जो होते थे, उन पटवारीज का ना जो बड़ा ऑफिसर होता था पटवारियों का, उसको कानून गो बोला जाता था। आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड एज पर मनसब सिस्टम, और मनसबदारी सिस्टम, सेना भी वो मनसबदारी सिस्टम के अंदर है ना व्यवस्थित थी। विच वाज डिवाइडेड इन द जॉट्स एंड सवार्स, और ये सवार्स और है ना जूट्स में है ना विभाजित थी। अब आता है साहब आपके नेक्स्ट पॉइंट है रेस सेखा। रेस सेखा ये नाम हुआ है, ये भी बोर्न ऑन 24 सितंबर 1433, ये भी 1434 सितंबर 1433 को ये पैदा हुआ था। और हिज फादर्स नेम वाज है ना मोकल, इसके पिता का नाम था राव शेख के जो पिता थे, इसका नाम था मोकल, और माँ का नाम था निर्वाण। उदयकरण द रूलर ऑफ द अजमेर, और अजमेर का जो शासक जो था उदयकरण, एडॉर्न्ड हिम विद टाइटल ऑफ द महाराव, और उदयकरण ने जो अजमेर का शासक था उसने है ना इसको महाराव का है ना टाइटल दिया था। एट द एज ऑफ द 16, और 16 वर्ष की अवस्था में प्रोफाउंड सडन अटैक, एक अचानक आक्रमण हुआ ऑन द सनेखा राजपूत ऑफ द नागाचल एंड मुल्तान, तो नागाचल और मुल्तान के राजपूतों के द्वारा। एंड सेवर एंड दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये इसका पहला मिलिट्री है ना सफल पहला एक्सपेंडिचर था, अभियान था, ये एक्सपेंडिशन था ये इसका। ही बिल्ट अमृतसर हिज कैपिटल, इसने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाया इन 1449 को। एंड बिल्ट द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जगदीश, और भगवान जगदीश का इसने है ना टेम्पल बनाया इन अमृतसर के अंदर। एंड सिखगढ़ फोर्ट इन 1477, और सिखागढ़ जो किला था वो भी है ना इसने 1477 के अंदर निर्माण करवाया। ही डाइड एट एन द प्लेस नेम्ड रोला वाटा, तो एक रोला वाटा नाम का जो जगह था वहाँ ये मरा इन 1488 1488 के अंदर। वेयर ए छतरी हैज बीन बिल्ट, जहाँ एक है ना छतरी बनाई गई थी इन हिज मेमोरी, उसकी याद में। और ही फोट 52 बैटल्स, इसने है ना 52 युद्ध लड़े थे इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में।
ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द शेखावत सब क्लान। ये इसने शेखावत के संस्थापकों के रूप में इसको समझा गया है। ऑफ द कछुआ डायनेस्टी, कछुआ डायनेस्टी के जो सरदार थे सब क्लान उनके रूप में। हिज वाइफ गंगा कुमारी, इसकी जो पत्नी थी गंगा कुमारी, हैड बिल्ट कल्याणगी टेम्पल, उसने ना कल्याणगी टेम्पल बनाया था इन फोर्ट ऑफ द अमृतसर फोर्ट, अमृतसर फोर्ट के अंदर। अब आता है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में हम बात करते हैं तो ये 1282 सीई से लेकर 1300 सीई के अंदर मतलब ये रहा था, इसका शासनकाल रहा था 1282 से लेकर 1301। जैत्रा सिंह अपॉइंटेड हिज सन, जैत्रा सिंह नाम के एक सरदार ने अपने पुत्र हमीर देव को एज ए सक्सेसर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया एंड अर्थ और एनथ्रोन्ड हिम इन 1282 1282 में उसको सिंहासन रूढ़ किया। हमीर देव एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, हमीर देव ने दिग्विजय की नीति को अपनाया एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम मांडलगढ़ और मांडलगढ़ से इसने टैक्स वसूल किया बाय डिफीटिंग किंग अर्जुन ऑफ द भीमराव, और भीमवाल का जो राजा अर्जुन था उसको पराजित करते हुए। ही डिफीटेड परमार रूलर भोज ऑफ द साउथ, और उसने दक्षिण के जो परमार शासक भोज था उसको पराजित किया इन रणथंबोर, और रणथंबोर के अंदर ही परफॉर्म्ड कोटी यजना टू कमांडेड हिज विक्ट्री, और उसने रणथंबोर के अंदर कोटी यजना के रूप में अपनी विजय को प्रस्तुत किया। ही स्टूड विक्टोरियस इन 16 बैटल, और इसने लगभग 16 युद्ध में विजय प्राप्त की आउट ऑफ 17 बैटल, 17 युद्ध लड़े थे जिनमें से 16 युद्धों में ये जीता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अटैक्ड रणथंबोर, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था लेकिन रिमेंड अनसक्सेसफुल, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया था उस आक्रमण में एंड कम बैक इन जून 1291, और 1291 के अंदर ये वापस चला गया था। इन 1296-1296 के अंदर जलालुद्दीन नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन का जो दामाद था और जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी किल्ड हिम, उसने उसको मार दिया था। बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जब वो दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसने जलालुद्दीन को मार करके और सल्तनत हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल आर्मी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शाही फौज को भेजा था अंडर द लीडरशिप ऑफ द उलुग खान, उलुग खान के नेतृत्व के अंदर एंड नुसरत खान, और नुसरत खान के नेतृत्व में टू इन्वेड द रणथंबोर, रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए ड्यूरिंग 1299 सीई 1299 सीई के अंदर। द आर्मी अटैक्ड अपॉन जैन विच वाज रिगार्डेड एज द की ऑफ द रोड टुवार्ड्स रणथंबोर, तो रणथंबोर की ओर जो सड़क जाती थी उसकी जो चाबी के रूप में इन्होंने जैन नाम की जगह पर आक्रमण किया। हमीर सेंट भीम सिंह, हमीर ने भीम सिंह को भेजा एंड धर्म सिंह टू कन्फ्रंट द एनिमी, इन अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए। दे डिफीटेड अलाउद्दीन आर्मी बैडली, और उन्होंने अलाउद्दीन की फौज को बुरी तरह से हरा दिया। उलुग खान डिफीटेड द राजपूत आर्मी, उलुग खान ने राजपूत फौज को पराजित किया एंड किल्ड भीम सिंह, और उसने भीम सिंह को मार दिया। वाइल अगेन अटैकिंग ऑन रणथंबोर, दोबारा रणथंबोर पर आक्रमण करते हुए ही रिटर्न टू दिल्ली, और वो वापस दिल्ली लौट गया। अलाउद्दीन खिलजी सेंट उलुग खान एंड नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी ने वापस उलुग खान और नुसरत खान को दोबारा से मासिब आर्मी एक बहुत बड़ी सेना के साथ रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नुसरत खान डाइड ड्यू टू द एरो, नुसरत खान वो एक तीर से मर गया। और उलुग खान सेंड दिस मैसेज, और उलुग खान ने ये संदेश भेजा टू अलाउद्दीन, अलाउद्दीन को सीइंग
इंटेंसिटी ही मेड प्लान, एक अपनी योजना बताते हुए टू मेक अलायंस, एक संधि के रूप में विद हमीर हमीर के साथ, एंड सेंड मैसेजेज इन हिज कोर्ट, और उसके दरबार में उसने एक मैसेज भेजा, संदेश भेजा। हमीर सेंट रनवल और रतिपाल इन अलाउद्दीन कोर्ट, और हमीर ने रनवल और रतिपाल को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा। बट ही पुट देम इन हिज फेवर, लेकिन वो उन्हें अपने पक्ष में ना कर सका। ड्यू टू दिस, इस कारण जो तुर्किश आर्मी नोन अबाउट द सीक्रेट रोड टू गो इनसाइड, और इस प्रकार है जो तुर्की जो फौज थी वो ये जान सकी उस सीक्रेट गुप्त रास्ते को, टू गो इनसाइड, जो महल के अंदर किले के अंदर जाता था, एंड अटैक्ड रणथंबोर, और उन्होंने इस प्रकार है ना रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। एज द मुस्लिम सराउंडेड द फोर्ट, जैसा कि मुसलमानों ने उस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया था, फॉर मोर देन एन वन ईयर, एक वर्ष तक, और स्केसली ऑफ फूड, जब है ना भोजन की कमी हुई, और टेक प्लेस ड्यू टू दिस हमीर डिसाइडेड टू फाइट, तब है ना हमीर ने बाहर आकर के लड़ने का निश्चय किया विद मुगल आर्मी के, और एंड किल्ड इन दिस बैटल, और है ना इस युद्ध में वो मारा गया। द राजपूत वीमेन परफॉर्म्ड जल जौहर, और राजपूत औरतों ने ना जल जौहर किया अंडर द गाइडेंस ऑफ हमीर क्वीन, हमीर की रानी के नेतृत्व में। जल जौहर का मतलब जल के अंदर उन्होंने समाधि ले ली, अर्थात वो है ना लेडीज जल के अंदर है ना कूद गई और है ना वहाँ मर गई, जिसके अंदर है ना रनक देवी एंड हिज डॉटर्स पद्मलाला, और उसकी पुत्री पद्मला थी और रनक देवी थी। अलाउद्दीन खिलजी एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल, और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपना नियंत्रण है ना रणथंबोर के ऊपर स्थापित कर लिया उसके किले पर 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर, इन द बैटल ऑफ रणथंबोर, और रणथंबोर के युद्ध के अंदर अमीर खुसरोबाज अलोंग विद अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो नाम का विद्वान जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। हमीर बिकेम फेमस ऑफ कीपिंग हिज सोर्ड, हमीर है ना अपने परिवार को और अपनी तलवार को वार्ड को है ना रखने में वह प्रसिद्ध था, एंड एज ए मैन, और एक ऐसा व्यक्तित्व हु रिफ्यूज टू हैंड दोज पर्संस हु हैड कम टू हिज प्रोटेक्शंस, और उसने है ना उस व्यक्ति को लौटाने के लिए मना कर दिया जो उसके प्रोटेक्शन में आया था, उसके संरक्षण में आया था। इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर जैसिंग्स 32 ईयर्स ऑफ द रैन, और अपने पिता जैसिंग के 32 साल के शासन के दौरान ही बिल्ट ए छतरी ऑफ 32 पिलर्स, उसने ना 32 खंभों की एक छतरी बनवाई इन रणथंबोर के अंदर, जो रणथंबोर किले में आज भी स्थित है, नॉन एज द न्याय की छतरी, जिसे आज भी है ना न्याय की छतरी के रूप में ना पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। हमीर बिल्ट ए पद्माला पॉन्ड, और हमीर ने एक पद्माला पॉन्ड भी तालाब भी बनवाया इन द नेम ऑफ हिज डॉटर्स पद्माला, अपनी जो पुत्री थी पद्माला उसके नाम पर। ए पोइट नेम बीजादित्य लिव्ड इन हमीर कोर्ट, और एक कवि भी था जिसका नाम बीजादित्य था, वो भी है ना हमीर के दरबार में रहा करता था। आफ्टर हमीर डेथ, हमीर की मृत्यु के बाद में द ब्रांच ऑफ चौहान ऑफ रणथंबोर की जो चौहान की जो शाखाएं थी केम टू एन एंड, और वो इस प्रकार वो समाप्त हो गई, अर्थात है ना चौहान वंश से ना पतन के रास्ते चला गया।